ये जो वो लॉकडाउन सब हुआ है ना, इसमें केवल गरीब ही मरता है भाई साहब, पैसे वाले कुछ नहीं पड़ता भाई साहब। हम कहाँ कहाँ से आ रहे, कितने लोगों मैंने फोन किया, 112 बजे कोई किसी नहीं सुनता भाई साहब। इससे बेहतर भाई साहब शांत रहो और अपना काम करते रहो भाई साहब। कोरोना वायरस फैलने को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन अर्थात आपातकाल भले ही घोषित कर दिया हो, लेकिन ये लॉकडाउन गरीब मजदूरों के कोरोना वायरस से भी बड़ा कहर बनकर साबित हो रहा है। ट्रेन बस सहित आवागमन के सभी साधन ठप होने के बाद दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के मजदूर अपने मासूम बच्चों, सामान के साथ भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा ही पैदल अथवा साइकिल से करने पर मजबूर हैं। कल से चले, कल से चल रहे, रात का रोके, चलते रहे, रुक जाए थोड़े बहुत, ये दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 मथुरा के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हजारों लोग वाहनों के अभाव में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से अपनी रोजी रोजगार छोड़कर बड़े दिन से अपने अपने घर पहुंचने के लिए दिन रात पैदल या साइकिल से चल रहे हैं, जिन्हें सरकारों द्वारा घर पहुँचाने के लिए वाहनों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दिल्ली से आ रहे हो, क्या करते हो? इन मजदूरों पर कोरोना वायरस का असर होगा या नहीं, सरकार उसे फैलने से रोक पाएगी या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन मजदूरों और आम जनता की इस हालत को देखकर लगता है कि सरकारों एवं सरकारी मशीन के लापरवाह सिस्टम ने उनके जीवन को ही नहीं बल्कि रोजी रोजगार को भी अंधकार के दलदल में धकेल दिया है, जो आने वाले दिनों में विनाशकारी साबित हो सकता है।